लिटरली. ओ पूरा पिंक कैसे हो गया डिस्प्ले? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. 9 बज चुकी है और रात को हमको बातें करते करते इतना टाइम हो गया कि सोते सोते मुझे 11:30 हो गई थी. और चिको और ये लोग तो और लेट सोए, क्योंकि मैं तो क्या कल पूरा दिन हो गया नींद में ही थी. फिर मैंने सोचा यार मैं तो सो ही जाती हूँ, इनकी बातें तो चलती ही रहेंगी. और उठने में फिर लेट हो गए, 9 बज गई अभी. और हमको जाना है ऋषभदेव जाके शॉप पे जाना है. हैप्पी ब्याह है नहीं आज, सारा घर जाके मैनेज करना है और लेट हो चुके हैं. थोड़ा जल्दी करते हैं फिर सीधा ऋषभदेव जाते हैं. तो अभी हम निकल रहे हैं, मम्मी पापा बाय कर रहे को रहने नहीं दे रहा. गर्मी छुट्टियां पड़ी हैं. तो अभी हम दोनों निकल चुके हैं और 9:15 हो रही है. हमको 10 बजे तक शॉप पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉप पे फिर रोशनी भी आ जाएगी 10 बजे तक. तो जल्दी से जल्दी करते हुए घर पे जाके भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा फ्रेशन अप होना पड़ेगा. चुकी हूँ रेडी और आज मैंने वेयर की है साड़ी. तो अब चलते हैं शॉप पर. और कल जो भी ये बाहर मेकअप करने गई थी वो सारे पार्सल्स आ चुके हैं. तो ये सारा स्क्रब भी शॉप पे ले जाके सारा जमाना है. तो अब चलते हैं, 10:30 हो चुकी हैं, रोशनी भी आ गई है शॉप पे. सामान सारा गाड़ी पर लटका दिया है, अब यहाँ पर बैठ कर वेट करती हूँ. चिकू गए शॉप पे 9:45 ज्वेलर्स पे. मैंने अभी लगाई है मिस कॉस की लिपस्टिक आते में. आज मुझे इच्छा हो गई थी लिपस्टिक लगाने की, तो ये बिल्कुल मैट लुक देती है हमारे लिप्स को. और ये हाइड्रेट लिपस्टिक है, हमारे लिप्स बिल्कुल ड्राई नहीं होते हैं इससे. और बहुत ही अच्छा लुक आता है, आप देख सकते हो. जैसे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्किन केयर किया, लिपस्टिक लगाई है, लग रहा है ना एकदम मेकअप किया हो ऐसा. मस्त लग रही है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका. और इसका शेड भी इतना प्यारा है ना, मुझे न्यूड शेड बहुत पसंद है. न्यूड शेड का परफेक्ट शेड है ये. और जैसे कि आप देख सकते हो मैं तो आ गई हूँ शॉप पे. और ये सारे मिस कॉस के लिपस्टिक्स के शेड है, इसमें से एक गायब है, वो मेरे पास पड़ा है इसलिए. शॉप तो ओपन कर दी है, अब जाती हूँ मैं घर पे. लंच प्रिपेयर करती हूँ और लंच करके आती हूँ, क्योंकि 11:30 तो हो गई है. लंच बन गया है और अभी मैं कपड़े समेट रही थी, क्योंकि चावल पक रहे थे. 5-6 दिन के कपड़े हो गए थे. और अभी क्या मेकअप ट्यूटोरियल बोल रही हूँ, मेकअप थे ब्राइडल्स के, इसलिए टाइम मिल ही नहीं पा रहा था. भाग दौड़ में कपड़े रह ही रहे थे, तो कपड़े आज समेट दिए, क्योंकि कल हो जाते तो बहुत दिन के हो जाते इसलिए. तो सारे कपड़े अब जगह जगह पर रख देती हूँ. और खाना भी बन गया है, खाने में बनाई है पीली मूँग की दाल, चावल, रोटी बनानी बाकी है. चावल भी बन गए हैं, ये दाल इधर बॉईल हो रही है, और ये आटा. अभी रोटी बना दूंगी और फिर चलती हूँ शॉप पे. 12 बज गई है, मैं 11:30 आई थी, खाना कंप्लीट हो गया. चलो अपना हमारे मिट्टू की शैतानिया देखो.
ये मेरा खाना दही दाल और रोटी और प्याज। मैं खा लेती हूँ फिर मैं चलूँगी, मैं चली जाऊँगी और फिर चिकू आ जाएंगे। चिकू मेरे को रख के आके फिर खाएंगे, क्योंकि चिकू को अभी खाना नहीं है, थोड़ा लेट खाना है। अभी आए हैं हम बैंक, क्योंकि दुकान का थोड़ा सा काम है इसलिए, तो काम निपटा के फिर जाएंगे शॉप पे। NPJ का काम है। चलो शॉप करो पर ही मिलेगी। अच्छे से अच्छा स्किन केयर, अच्छे से अच्छा मेकअप, अच्छे से अच्छे शैम्पू कंडीशनर ऑयल्स। मैं आ गई हूँ शॉप पे और आगे वाली शॉप पे कस्टमर हैं अभी, तो कस्टमर को अटेंड कर रहे हैं। ऑनलाइन कस्टमर्स हैं, होम डिलीवरी हो रही है। मैं अभी आगे शॉप पर बना रही थी बिल, और आज मैं बिल बना रही हूँ इसका क्लियर बैलेंस का, जिसका मैंने आपको ऑफ़र बताया था मेरी वीडियो में। और ये वाला जो क्लियर बैलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यानी आपके फेस को अच्छे से क्लीन रखता है, डीप क्लींजिंग करता है फेस की, प्योरीफाइंग करता है, मॉइस्चराइज रखता है और जेंटली एक्सफोलिएट करता है। समर्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समर्स में टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है और ओपन पोर्सेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से अगर हीटिंग लगती है तो पोर्सेस ओपन हो जाते हैं, और पोर्स ओपन होने की वजह से अंदर ऑयल डर्ट वगैरह सब इकट्ठा होता है। तो ये हमारे फेस को डीपली नरिश्ड एंड डीपली क्लीन करने वाला है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है। यानी मैं अभी इसका बिल बना रही हूँ। क्लेंज़र, फेस क्लेंज़र, टोनर हो गया, डे क्रीम हो गई एंड ये नाइट क्रीम हो गई। कंप्लीट पैकेज है इसमें। और ये तो यानी नॉर्मल स्किन केयर है, अगर आपकी स्किन की और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, इसके बाद अनइवन स्किन टोन, हालांकि ये पूरा क्लियर बैलेंस जो सीरीज़ है वो अनइवन टोन के लिए ही है, बट जिसके बहुत ज़्यादा डार्क पैच यानी डार्क स्पॉट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली एक डार्क स्पॉट रिमूवर दे रखा है, जो कि कम्प्लीटली इफेक्टिव है और बहुत अच्छा फेस पर काम करने वाला है, हमारे फेस को एकदम इवन टोन कर देगा। तो अभी मैं बिल बना रही थी और चिकू हुआ है बेला वीटा ऑर्गेनिक का स्टॉक लेके, और हमारे पास बेला वीटा ऑर्गेनिक की लगभग सारी रेंज आ चुकी है। तो बेला वीटा ऑर्गेनिक का चिकू अभी बॉडी वॉश ट्राई कर रहे थे और इसकी फ्रेग्रेंस यानी इतनी गजब की फ्रेग्रेंस लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अपने पास सेकेंड रेंज आ गई है ऑर्गेनिक में, फर्स्ट तो ऑर्गेनिक हार्वेस्ट है और सेकेंड बेला वीटा ऑर्गेनिक। हम कल कल्याणपुर जाके आए, विक्को और यश को इतनी याद आ गई कि आज हमसे मिलने भी आ गए। और ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लिप बाम भी कह सकते हो, लिप टिंट भी बोल सकते हो, लिप्स का कलर अगर चला गया है तो लिप्स का कलर भी इससे आ जाएगा नेचुरली। ओ पूरा पिंक कैसे हो गया डिस्प्ले? मेरे को वो चाहिए टिशू, इसका नाम है निको लिप्स। बेला वीटा ऑर्गेनिक का ये प्रोडक्ट है और ये हमारे लिप्स को लाइटनिंग भी करता है हमारे लिप्स की, और लिप्स को अच्छे से स्क्रबिंग भी करता है, हमारे इस लिप्स पर जो डेड स्किन आती है उसको भी हटाता है, ब्राइटनेस एक्सफोलिएट एंड मॉइस्चराइज करता है हमारे लिप्स को। लिप्स की ब्राइटनेस तो क्या हो सकती है, नहीं पिंक करता है। इसमें क्या पता है, थोड़ा सा ज़्यादा लगाओ स्क्रब करो। ये लिप बाम थोड़ी ना है, ये स्क्रब है। ये वापिस हटाना पड़ता है, ये वापिस हटाना पड़ेगा। लिप्स मस्त स्मूथ हो गए और एकदम लाइट लिप पिंक कलर आया, लाइट पिंक एकदम, लिप्स का जो नेचुरल कलर होता है ना वो आ रहा है। बाय। तो यश और विक्कू दोनों जने जा चुके हैं, और अब तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर, मेरे हैंड वैक्स करवानी है तो हैंड वैक्स ले लेते हैं, लेग वैक्स भी लेनी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया शादी के बाद मैंने ली नहीं है, अपर लिप्स भी आ गए तो कुछ कुछ काम कर लेते हैं। जब तक अंदर वैक्स गर्म हो रही है तब तक मैं और मेरे पति दोनों जने क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं।
दुकान मंगल कर दी है, बड़ी मशक्कत से दुकान मंगल की है, मैंने की है दुकान मंगल इसलिए। और अभी रोशनी आ रही है छोड़ने के लिए। घर पे आ चुकी हूँ और घर पे आके जल्दी आ गई हूँ, तो एक काम कर रही हूँ, यहाँ पर जो भी कपड़े पड़े हैं चिकू के वो सारे हैंगर्स में फिल कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े कल आज सुबह समेटे थे वो सही जगह पे तो रख दिए थे, पर चिकू के जो कपड़े थे उनको हैंगर्स में जमाना बाकी है, तभी हैंगर में जमाऊँगी सारे। कपड़े सारे ही समेट दिए, अब थोड़ी सी भूख लगी है तो कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। स्नैक्स में क्या खाऊँ, ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, सबसे बेस्ट है। थोड़ा नाश्ता और थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं और फिर खाने की तैयारी करेंगे, भूख भी लग गई है ना। और शाम की कितनी बज रही है यार, 6:30 तो हो गई है, तो थोड़ा सा छोटा छोटा कुछ खाना खा लेते हैं और फिर खाना बनाते हैं। और खाने में आज क्या बनाऊँ वो सोच भी लूँगी इतनी देर में। नाश्ता करने के बाद मैंने खाना बनाने के लिए सोच लिया है, तो खाना बनाने में आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी, रोटी, बस यही है शाम का प्लान। तो खाना बन चुका है और चिकू को तो भिंडी खानी नहीं थी, क्योंकि भिंडी इतनी टेस्टी बनी नहीं आज, तो चिकू गए हैं होटल और ये मेरा खाना, मैं खुद भी मसाला और घी लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भिंडी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर चलो ना मजबूरी है, खानी पड़ती है हरी सब्जी है। तो बच्ची को खाना खा के आ गए हैं और मैं यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।